केंद्रीय मंत्री और कश्मीरी नेता यासीन मलिक गिरफ्तार। रामपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कार्यक्रम मन की बात का दीप जलाकर किया शुभारंभ। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का जोरदार स्वागत किया और कार्यक्रम में खाली पड़ी रही कुर्सियां नहीं आई पब्लिक, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा, लेकिन मुझसे अगर आप पूछते हो तो जिस जमीन पे आतंकवाद की खेती हो रही है उस पे क्रिकेट की पिच कैसे बनेगी? सर, जैसे जिस तरह से यार रामपुर में किसानों और व्यापारियों के मन की बात सुनी गई है, इस तरह से रामपुर के कुछ किसानों को जमीनों का मालकाना हक नहीं मिला, तो काफी लंबे समय से लड़ाई चल रही है, उसके लिए क्या करा जा रहा है सरकार की तरफ से? ये बात भी हमारी जानकारी में आई है, लेकिन क्या है कि जो हम देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं हम किसानों। कल राजनाथ जी लखनऊ में किसानों से बात करने वाले हैं, अगर कोई इस तरह का सुझाव होगा तो उनको हम देंगे। अलग अलग जगहों पे देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में भी हम सबसे बात कर रहे हैं और जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी उसके समाधान की दिशा में। सर, जैस की गिरफ्तारी के बाद अब कुछ मतलब बड़ा कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि उसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, कई बड़े और कड़े फैसले हुए हैं और आप चिंता मत करिए, आगे आगे वेट है। अजय नकवी जी, पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है काफी अंदर आकर के हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए सुरक्षा चौकसी पूरी रहती है, तो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि इतना अंदर आतंकवादी आ जाता है उसके बाद इस तरह से हमला करके चला जाता है? कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की कमी है, सुरक्षा नहीं दे पा रही, जानकारी पूरी नहीं दे पा रही, गृह मंत्रालय की कहीं कमी है? आप राहुल गांधी जी का जो सवाल है उसका जवाब आप पूछ रहे हैं क्या? नहीं, अभी आप हमारे सुरक्षा बलों को काम करने दीजिए, कौन जिम्मेदारी किसकी है क्या है वो सब बाद में होगी। अभी जो है हमारे सुरक्षा बल उनकी ढुलाई भी कर रहे हैं, पिटाई भी कर रहे हैं, उनका खात्मा भी कर रहे हैं, हर दिन वो जो है वो ढेर किए जा रहे हैं, आपको जाके देखिए पहले।